चलिए स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा की लास्ट कविता आज हम पढ़ेंगे और कविता का शीर्षक है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर किसे माना गया है बेटा? इसके अंदर मनुष्य का जो शरीर है, जीवन है, इसको माना गया है। इस गीत में प्रिय से मिलन की तीव्र उत्कंठा को वाणी दी गई है कि यह जीव जो है परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए तड़फ रहा है। कीर वैसे तोते को कहा जाता है और अपने प्रियतम से वह यह प्रार्थना करना चाहती है कि इस संसार रूपी पिंजरे के द्वार को खोल दो और मुझे इससे आज़ाद कर दो। मुझे तुम्हारे दर्शन करने हैं, तुम्हारे पास आना है। बहुत आसान और छोटी सी कविता है महादेवी वर्मा की, आपके सिलेबस में जो लगी हुई है उसकी आखिरी कविता है। शीर्षक है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो कविता महादेवी के काव्य संग्रह सांध्य गीत से संकलित है। आपको इसके बारे में संदर्भ का पता होना चाहिए क्योंकि आप व्याख्या में इन सब चीजों को लिखते हैं। सांध्य गीत तक आते आते वास्तविक जगत से महादेवी का रहा सा नाता भी समाप्त हो जाता है और वे अंतर्मुखी हो जाते हैं। महादेवी ने इस गीत में प्रिय मिलन की तीव्र उत्कंठा को वाणी दी है। कवित्री पिंजरे में बंद तोते के समान मुक्ति के लिए व्याकुल है। वह अपने प्रियतम से प्रार्थना करती है कि वे शरीर रूपी पिंजरे में बंद प्राण रूपी तोते को मुक्त कर दें ताकि वह प्रिय से मिल सके। मुक्ति की यह भावना इस कविता में मिलनोत्कंठा के रूप में चित्रित हुई है, मिलने की उत्कंठा के रूप में चित्रित हुई है। इसको आप साधारण भाषा में शब्दों में यह समझ सकते हैं कि मनुष्य इस संसार में ईश्वर से बिछुड़ करके आया है और जब इस संसार से उसका मन भर जाता है, इस संसार से उसका नाता टूट जाता है, तो वह अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़पने लगता है। उसको लगता है कि यह पिंजरा जो यह शरीर है पिंजरे के समान है और जो इसमें प्राण है यह तोते के समान है जो मुक्ति के लिए व्याकुल है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि संसार सागर से जा करके अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने को व्याकुल है। आइए कविता शुरू करते हैं कि कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो हो उठी है चंचू छूकर तिल्लियां भी वेणु सस्वर बंदिनी स्पंदित व्यथाले सिहरता जड़ मोन पिंजर आज जड़ता में इसी को खोल दो। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो कवित्री कहती है कि अपने प्रियतम से, प्रियतम कौन है? अपने परमात्मा से, अपने शरीर रूपी पिंजरे में कैद अपने प्राण रूपी तोते को मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरे प्राण रूपी तोते को तुम मेरे शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त कर दो क्योंकि मेरा प्राण रूपी तोता मेरे शरीर पिंजरे से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है। प्राण रूपी तोते की मुक्ति के लिए कामना रूपी चोंच को छूकर शरीर के विविध अवयव रूपी तिल्लियां बांसुरी के समान झंकृत हो गई हैं। होकर हो उठी है चंचू, चंचू का अर्थ है चोंच, छूकर का अर्थ है स्पर्श करके वेणु स्वस्वर मेरे प्राण रूपी जो तिल्लियां हैं वो बांसुरी के समान झंकृत हो गई हैं। वंदनी स्पंदित व्यथाले सिहरता जड़ मौन पिंजर कंपायमान वंदनी व्यथा के भार को लेकर इस जड़ और मौन शरीर रूपी पिंजरों में भी सिहर रही है। अतः हे प्रियतम तुम इस जड़ता रूपी पिंजरे में चेतनता भर दो, आज जड़ता में इसी को घोल दो। उसने इस मनुष्य शरीर को जड़ माना है और ईश्वर की प्राप्ति को चेतन माना है। वो ये कहती है कि मेरे सिर के मेरे मन के अंदर जो स्वर हैं वह बांसुरी के समान झंकृत हो रहे हैं, आप इस जड़ता रूपी पिंजर को खोल दो, बोल दो ताकि मैं आपसे मिलन कर सकूं। जग पड़ा छू अश्रु धारा हत परों का विभिव सारा अब अलस बंदी युगों का ले उड़ेगा शिथिल कारा पंख पर वे सजल सपने तोल दो। कवित्री कहती है कि अपने शरीर रूपी पिंजरे में कैद अपने प्राण रूपी तोते को मुक्त करने देने की प्रार्थना करते हुए कहती है कि मेरा प्राण रूपी तोता मेरी अश्रु धारा का स्पर्श कर जाग गया है। जग पड़ा छू का अर्थ है स्पर्श करके आंसुओं की धारा को जाग गया है। हत परों का विभव सारा और अब वो क्या है अपने हत का अर्थ है घायल पंखों के विगत वैभव को पुनः प्राप्त कर लिया है। वह कहते हैं कि अब घायल पंख हो गए हैं इस मनुष्य का शरीर में, वह घायल हो गई है जो उसका वैभव था, जो उसके ईश्वर उसके परमात्मा से मिलन का वैभव था वह उसने पा लिया है। अब अलस बंदी युगों की कारा युगों युगों से बंदी और आलस्य में जीने वाला प्राण रूपी
तोता अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह अब शरीर रूपी जीर्ण शीर्ण जल को भी अपने साथ लेकर उड़ना चाहता है। जो संसार में कारावास है इसको भी साथ लेकर उड़ जाएगा, अर्थात जिस संसार रूपी पिंजड़े में वह कैद है उसको भी लेकर चलना चाहता है। पंख पर वे सजल सपने तोड़ दो, जो मेरे पंखों में जो सपने हैं उसके जीवन के उनको साथ लेकर उड़ना चाहता है। इस प्राण रूपी तोते के सभी प्रेम पूर्ण सपनों को तुम पूरा कर दो हे प्रियतम, अब मैं इस संसार से तुम्हारे पास मिलने के लिए आना चाहती हूँ। क्या तिमरी कैसी निशा है, आज विदिशा ही दिशा है, दूर खग आ निकटता के अमर बंध में बसा है, प्रलय घन में आज राका घोल दो। कवित्री कहती है कि मैं इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद अपने प्राण रूपी तोते को मुक्त करने की तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि प्राण रूपी तोते के जागृत हो जाने पर अब इसे अंधकार या रात्रि का भय नहीं है। यह कैसा अंधकार, तिमिरी का अर्थ है अंधकार, कैसी निशा अर्थात कैसी रात्रि है, आज विदिशा, विदिशा का अर्थ है जो विपरीत दिशा है वह भी मुझे सही दिशा में लग रही है, आज मुझे दिशा की भी कोई चिंता नहीं है, दूर खग आ निकटता के, अब यह प्राण रूपी तोता अब तक प्रिय से दूर था अब प्रिय के समीप आकर अमर बंधन में बंध गया है। कवित्री कहती है आज तुम प्रलयकालीन भयानक बादलों के समान विरह के कारण अंधकार पूर्ण हृदय में पूर्णिमा का प्रकाश भूल दो। प्रलय घन का अर्थ है प्रलय लाने वाले बादलों के अंदर राका अर्थात पूर्णिमा की रात्रि का प्रकाश भूल दो। कवित्री कहती है कि अभी संसार का मुझे कोई भय या डर नहीं है, मैं आपकी शरण में आकर के आपसे मिलना चाहती हूँ। जो प्रलय आने वाली है इस स्थिति के अंदर जो विपरीत दिशाएं हैं वह भी मुझे सही दिखाई दे रही हैं, सही दिशा का भान करा रही हैं। यह मेरा जीवन रूपी जो पक्षी है यह आपके समीप आकर के अब अमर बंधन में बंध गया है। संसार में क्या मान्यता मानी जाती है कि मनुष्य इस संसार में जन्मता है मरता है, कभी किसी शरीर में आता है कभी किसी शरीर में आता है और आने के बाद जन्मने के बाद मरता भी है। इस संसार में आने और जाने को आवागमन का चक्कर कहा जाता है और कवित्री कहती है कि जब मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए तड़प जाता है तो इस संसार में आने जाने का उसका चक्कर समाप्त हो जाता है, वह संसार में आकर के कि सबसे दूर होकर के ईश्वर से मिलन पा लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। कवित्री उसी स्थिति को पाने के बारे में कह रही है कि आज मैं अमर बंधन में बंध गई हूँ अर्थात मेरी मुक्ति हो गई है तो अब मुझे संसार का कोई भय नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जब जीव ईश्वर को पा लेता है तो उसे फिर संसार में किसी का भय नहीं सताता है। आइए आगे पढ़ते हैं। चपल पारत सा विकल तन, सजल नीरज सा भरा मन। कवित्री कहती है कि आज चपल, आज मेरा शरीर पारे के समान व्याकुल है, चपल का अर्थ है चंचल, पारद सा पारद के समान विकल तन, चंचल पारद की तरह से मेरा मन तन विकल है। आपने पारे को कभी देखा होगा बहुत जल्दी फिसल जाता है, उसमें चंचलता चपलता ज़्यादा होती है, आज मेरा शरीर भी उसी तरह से व्याकुल है, मेरा मन नीरद अर्थात बादल के समान सजल है, जल से युक्त है, बादल के समान करुणा के जल से भरा हुआ है। नाप नीला आकाश ले जो, नीले आकाश को जो नाप ले, अनंत दिन वाली किरण दो, बेड़ियों का माप यह बन एक किरण, अनंत दिन की मोल दो। कि हे ईश्वर हे परमात्मा आप मुझे ऐसा प्रकाश दो जो सारे आकाश को नीले आकाश को नाप सके, नीले आकाश के समान व्यापक मेरे हृदय के भावों को नापने में तथा हृदय को बंधन में रखने वाली जंजीरों को मापने में आप ही समर्थ हो, आज मुझे तुम ऐसी एक किरण मोल दे दो, मुझे प्रदान कर दो। कहने का अर्थ क्या है कि संसार रूपी आकाश को, इस संसार के सारे बंधनों को मैं तोड़ सकूं, कुछ ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान का प्रकाश मुझे दे दो। एक अनंत दिन का अर्थ क्या है कि वह पल, वह क्षण, वह दिन मैं चाहती हूँ जब मेरा आपसे मिलन होगा, इस सारे संसार के बंधनों को तोड़कर, इसके कष्टों को तोड़ करके मैं अब आपकी शरण में आकर के आपसे मिलना चाहती हूँ। कवित्री के कहने का अर्थ क्या है कि मेरे जीवन के अंदर मेरा प्राण रूपी जो तोता है, शरीर रूपी पिंजरे में जो बंद है, इसे इससे आजाद कर दो, वह संसार छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के अंदर लीन होने की कामना।